बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह अज़ीज़ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। ईद की हो रही हैं तैयारियाँ, पैकिंग कर रही थी तो सोचा कपड़े आए हैं टेलर से। ये बेटी का रेडीमेड एक फ्रॉक है, साइज़ के लिए मैंने दिया था। जो भी रेडीमेड आते हैं इसके स्मॉल में भी बहुत खुले होते हैं, तो फिर मैंने कहा था इसके थोड़ा कम कर दीजिएगा। एक ये सिल के आया है अभी, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सिला है ये भी, लेकिन थोड़ा सा एक इसमें मसला हो गया कि ये लगाना चाहिए था अंगरखा पे ना, ये वाली पट्टी, लेकिन पता नहीं मास्टर साहब ने ये क्यों नहीं लगाई और इस तरह से सी दिया है इसको ना। तो अच्छा है बेटी ने फरमाइश करके अंगरखा बनवाया था, लेकिन अगर ये वाली लगी होती ना ये चीज़ से तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगता है यहाँ से गले के ऊपर भी। और ये इसके साथ है, और ये एक सूट इसका सिल के आया है बेटी का, माशाल्लाह ये उसका दुपट्टा है। और इस तरह के ट्राउज़र सिल के भी इसी तरह के आते हैं, और वैसे भी ये इसी तरह के पहनती है माशाल्लाह। और ये देखिए किस कदर ज़बरदस्त सिला है माशाल्लाह, दिल खुश हो गया देख के ना इसको, बहुत ही अच्छा सिया है। यहाँ से देखें बहुत अच्छा ये फ्रॉक के बॉर्डर बना के, और यहाँ से ये किया है स्टिच करके, बहुत अच्छे बीड्स लगा दिए हैं। और ये देखें बाजू किस कदर ज़बरदस्त बनाए हैं, बाजू बहुत अच्छे बनाए हैं ना। और ये मास्टर साहब ने खुद ही की है सारी डिज़ाइनिंग, मैंने कुछ भी नहीं बताया था, बस ये कहा था कि बेटी का इस साइज़ का सी दें। और ये जो अभी परचेज़ करके लाई है अपने ईद के लिए इस तरह का ये ट्राउज़र है माशाल्लाह, सीज़न के हिसाब से ऐसे ही सही रहते हैं ना। जैसे गर्मी है तो गर्मी में तो कोई फैंसी वगैरह तो नहीं पहन सकते। ये देखें ये शर्ट बहुत, ये वाला बीड्स जो है ना ये उसे बहुत पसंद आया था, और कलर भी फ्रेश है, अच्छा लगेगा हल्का फुल्का सा गर्मी के हिसाब से। और बाकी ग्रॉसरी की थी थोड़ी बहुत, जल्दी थी, बहुत जल्दी थी, आज पैकिंग भी करनी थी। फिर ये उन्होंने बुकलेट्स दी हैं जो सफ़ायर वालों ने, और हाँ सफ़ायर का ये बैग तो बहुत ही प्यारा है, थैंक यू सफ़ायर, ये काम की चीज़ बनाई है आपने। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये ख़रीदी थी बेटी के लिए, नूडल्स हैं ये, और ये सौंफ मुझे ज़रूरत होती है इसकी हमेशा ही, और ईद का मौसम है तो चाहिए होंगी चीज़ें, ये मेरी फूड में डाइट के लिए मुझे चाहिए होता है। और ये मेरा बहुत पुराना मेरा साथ है इसके साथ, और पैप्रिका ली है, और ये भी बेटी की हैं चीज़ें, पता नहीं क्या क्या इकट्ठा कर लेती है। और हाँ काम की चीज़ फीट की सफाई के लिए ये लिया है, डालडा हमेशा मेरा साथी है। और टूथब्रश चाहिए था एक, और ये वाला एक शैम्पू, सुना है कि इससे बाल अच्छे होते हैं, अब ट्राई करूँगी इंशाल्लाह अज़ीज़। अच्छा ये यूज़ करती हूँ हमेशा से ही ना, अगर आपके जहन में कोई हो जो इससे बेस्ट हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। इससे सफ़ाई तो अच्छी हो जाती है, लेकिन एक बार ऐसे लगता है जैसे घर है ना जो हॉस्पिटल बन गया हो, हॉस्पिटल सा लगने लग जाता है घर। कोल्ड ड्रिंक्स ली थी तो चाहिए होंगी ये भी, और हमेशा की तरह मेरी ऑल टाइम फेवरेट, हॉट फेवरेट बल्कि, ये साहब का ब्लू मैन। और ये मैंने लिया है एलोवेरा जेल, मुझे चाहिए था इस पैकिंग में, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया है, उम्मीद है इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा होगा। और इसको भी मैंने कहा अब की बार ये ट्राई करते हैं। और ये भी पैप्रिका के पैक हैं, ये पर्ल साबन है, और ये चाहिए होता है ये लिया, भागम भाग में मैंने कोई लिस्ट नहीं बनाई हुई थी, बस ये चाहिए होगा अब, ये लिए हैं मसाले काफ़ी सारे, तो डव विटोल लक्स, कोई चीज़ छोड़नी नहीं होती हर चीज़ को ट्राई करते हैं। हाँ जी ये साबुन, ये वाला शैम्पू है, ये तो हमेशा ही यूज़ कर रहे होते हैं, और ये किचन की शान बहुत ज़रूरत होती है इनकी भी, और काफ़ी सारे मुझे ये चाहिए थे कुछ किचन के लिए, कुछ वॉशरूम्स के जो बेसन होते हैं ना उनको, उनके लिए ज़रूरत होती है इनकी। ये पाम ऑलिव है, और जनाब कॉलगेट हमेशा की तरह, अच्छा ये पैकिंग में मिल रहा था ऑफ़र में, फिर ये लिया है। बाथरूम माशाल्लाह काफ़ी सारे हैं, तो फिर बहुत चाहिए होता है, इसकी भी बहुत ज़रूरत होती है। बस इसी तरह से कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं, कुछ यूज़ कर ली हैं, आके मैं फ़ौरन ही नहीं बना सकी थी, अब तो काफ़ी रात का मेरा ख्याल 1 बज गया है, और मैं बना रही हूँ ये व्लॉग,
तो इंशाल्लाह अपलोड करके सोऊंगी। अब इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।